सब्सक्राइब कीजिए ऋषभ क्रिएशंस को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आगे आने वाली कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। इलेक्ट्रिक कार्स दुनिया में कारों का भविष्य, और इसी भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए टाटा लॉन्च करने जा रही है अपनी नई इलेक्ट्रिक हैचबैक कार, जिसका नाम रखा गया है एल्ट्रोस ईवी। जी हाँ दोस्तों, ये गाड़ी टाटा की तरफ से आ रही है। ये एक 5 सीटर हैचबैक है। इस गाड़ी को चलाने के लिए आपको किसी भी प्रकार का पेट्रोल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी पूरी तरीके से बिजली के पावर पर चलती है, मतलब कि फुल्ली इलेक्ट्रिक कार है। तो आखिर क्या है इस कार की प्राइस, कब आप इसे अपने नज़दीकी टाटा के शोरूम पर बाई कर पाएंगे, इन सभी बातों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले चलिए बात करें हम इसके डिज़ाइन के मामले में। तो ये आपको डिज़ाइन में टियागो की तरह दिखती है टाटा की, यही चूँकि एक हैचबैक कार है तो कार काफ़ी क्यूट लगती है। और बात करें यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी की, तो यहाँ पर आप इसमें आराम के साथ 5 लोग बैठ सकते हैं। अब बात करें एक चार्ज में कितना किलोमीटर चलेगी, तो आप इसे एक बार फुल चार्ज कर 250 से लेकर 300 किलोमीटर तक का रेंज ले सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको होम चार्जिंग एंड क्विक चार्जिंग दोनों को सपोर्ट देखने को मिलता है, क्योंकि टाटा अपने क्विक चार्ज स्टेशन जल्द ही इंडिया में ओपन करेगी, तो इसलिए काफ़ी अच्छी कार हो सकती है। होम चार्जिंग में आप नॉर्मली अपने घर से भी चार्ज कर पाएंगे। चार्जिंग टाइम आपको होम चार्जिंग में लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे, और क्विक चार्ज में आपको यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 घंटे में गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है। बैटरी टेक्नोलॉजी की बात किया तो यहाँ पर आपको लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है। गाड़ी की टॉप रफ्तार 80 टू 120 किलोमीटर तक की यहाँ पर गाड़ी की टॉप रफ्तार है। गाड़ी के इंटीरियर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको इंटीरियर्स में आपको डैशबोर्ड फुल्ली डिजिटल देखने को मिलता है। थोड़ा सा यहाँ पर हिस्सा एनालॉग दिया गया है और कुछ हिस्से यहाँ पर डिजिटल दिए गए हैं। आपको डैशबोर्ड पर एक 8 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहां पर आप अपने एंटरटेनमेंट की ज़रूरत की चीज़ें और ज़रूरी कार के रिलेटेड ज़रूरी इंफॉर्मेशन को देख पाएंगे। बाकी कार में कोई भी गियर बॉक्स नहीं दिया गया है, एक AMT स्विच दिया गया है, जिस जहाँ पर आप इस गाड़ी को आगे और पीछे और न्यूट्रल पर डाल पाएंगे। सेफ्टी के मामले में इस कार के अंदर आपको एयरबैग्स, ABS, EBD जैसे हाईटेक फीचर्स दिए गए हैं। अब दोस्तों बात करें ये गाड़ी बाज़ार में कब आएगी, तो ये गाड़ी बाज़ार में अगले साल 2020 तक सितंबर तक टाटा ने लॉन्च करने का फैसला किया है। अब बात करें प्राइसिंग के मामले में, तो इसकी प्राइस कहीं ना कहीं 8 से 10 लाख के बीच में होने वाली है, और ये टाटा की तरफ से आने वाली मोस्ट हाईएस्ट रेंज कार है जो कि इलेक्ट्रिक है। तो आप क्या सोचते हैं टाटा के एल्ट्रोस ईवी के बारे में, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कर लीजिए हमारे चैनल सब्सक्राइब ताकि मिलते रहे आपको और भी अधिक वीडियो की नोटिफिकेशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना खूब ख्याल। गुड बाय एंड टेक केयर।